हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फोटो वॉकर वंस अगेन। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स और क्वेश्चंस ऑन दिस चैनल, जो आप लोगों ने मुझे ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में पूछा है कि मैं अपने फोटोज को एडिट कैसे करता हूँ। आंसर बहुत सिंपल है, मैं यूज करता हूँ Lightroom मोबाइल ऐप, और ये ऐप आपका एंड्रॉयड और iOS दोनों पे अवेलेबल है, तो इजीली डाउनलोड हो जाएगा, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। सो आई विल शो यू कि मैं अपनी फोटोज में ऐसा क्या करता हूँ जिससे ऐसा लगता है कि कई लोगों ने मुझे ये भी बोला है कि मेरे फोन से खींची हुई फोटोज वो बिलीव नहीं कर रहे थे कि वो फोन से क्लिक करी हुई है, उनको लगता था कि मैं DSLR से क्लिक करता हूँ। यस, DSLR है मेरे पास, बट मैं इसको यूज करना इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। यूजुअली मैं जो अपनी फोटोज क्लिक करता हूँ वो मैं अपने फोन से क्लिक करता हूँ। और हाँ, काफी लोगों ने ये भी पूछा कि मैं कौन सा फोन यूज करता हूँ। सो या इट्स पोको F1, यू कैन हैव अ लुक। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स जस्ट गेट इनटू इट। अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज 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 वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस बनाता रहता हूँ। ऑलराइट, तो मैं आपको अभी फोन स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि किस तरह से मैं अपनी फोटोज को एडिट करता हूँ। आज जो एडिट करने के लिए हमने फोटो सेलेक्ट करी है वो ये वाली है। ये फोटो मैंने कुछ टाइम पहले प्राशर लेक पे क्लिक करी थी, यू कैन सी इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो आज के जो एडिट्स होंगे वो मैं इस फोटो पे करके दिखाऊंगा, एंड लेट्स जस्ट गेट इनटू इट। यहाँ से हम इस फोटो को शेयर कर लेते हैं, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऊपर, ऐड टू LR। When you have this Lightroom app in your phone, ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। मेरे में टॉप पे आ रहा है क्योंकि मैं इस फीचर को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, आप में शायद सेकेंड, थर्ड या फिर मोर पे क्लिक करने के बाद दिखेगा। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, अभी अपना ऐप ओपन कर लीजिए और वो फोटो आपको सबसे ऊपर दिख जाएगी। सबसे पहली चीज़ जो मैं करता हूँ और वो मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि अपनी कॉम्पोजिशन को पहले डिफाइन कर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए कि इस फोटो को आप कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। क्या वो इंस्टाग्राम पे जाएगी, क्या वो उसको आप फेसबुक पे डालोगे, क्या आप उसको प्रिंट निकालोगे, डिपेंड्स ऑन योर पर्टिकुलर नीड। तो यहाँ पे अगर मैं इसको बोलूँ, सबसे ज़्यादा मैं जो एडिट्स करता हूँ वो इंस्टाग्राम के लिए करता हूँ। तो यहाँ क्रॉप का एक ऑप्शन है, जब आप क्रॉप में जाते हो आप इसको किसी भी एस्पेक्ट रेशियो में क्रॉप कर सकते हो। तो यहाँ ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे तो आपको और ऑप्शंस दिख जाएंगे कि इनमें से हम और क्या यूज़ कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के पोस्ट का जो साइज होता है वो यूजुअली 1:1 यूज़ करते हैं लोग, विच इज स्क्वायर, बट उसमें मैक्सिमम हम जा सकते हैं 4:5 तक। सो आई ऑलवेज प्रेफर यूजिंग 4:5 बिकॉज ज़्यादा स्क्रीन स्पेस मिलता है और लोगों को अच्छे से ज़्यादा डिटेल्ड पिक्चर देखने को मिलती है। तो आई एम यूजिंग दिस, और इसकी कॉम्पोजिशन को थोड़ा सा और फिक्स कर लेते हैं ताकि ये देखने में थोड़ा और प्लीजिंग लगे। तो नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, दैट इज लाइट। अगर आप यहाँ पे नीचे देखोगे, यहाँ पे इनके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं एडिट करने के। तो सबसे पहले हम अपनी लाइटिंग को फिक्स कर लेते हैं। एक्सपोजर का मतलब होता है कि आपकी फोटो में लाइट कितनी है, कितनी इंटेंस लाइट है और या कितनी डल लाइट है, और उसको आप कंट्रोल कर सकते हो अप या डाउन करके। यहाँ पे जो स्लाइडर है इसको नॉर्मली आप टैप करके ऐसे आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। और ये जब आगे पीछे करते हो तो आप देखते हो कि फोटो डार्क हो जाती है या फिर एकदम ब्राइट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो मुझे इसकी लाइटिंग ऑलमोस्ट सही लग रही है, तो मैं इस एक्सपोजर को नहीं छेड़ूंगा, आई कीप इट एट 0, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मुझे लग रहा है कि अगर इस फोटो में थोड़ा सा और होगा ना, तो मैं इसको बढ़ा के कर देता हूँ समवेयर अराउंड, या मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा एडिटेड भी नहीं लगानी है फोटो, तो आई कीप इट समवेयर एट +9, विच इज़ लाइक अ गुड कॉन्ट्रास्ट फॉर दिस पर्टिकुलर पिक्चर। तो डिपेंडिंग ऑन योर पिक्चर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कॉन्ट्रास्ट कम करना है या ज़्यादा करना है। हाँ, तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज हाईलाइट्स। हाईलाइट्स का मतलब होता है जो ब्राइट एरियाज हैं आपके पिक्चर के, वो कितने ज़्यादा ब्राइट हैं या कितने ज़्यादा डार्क हैं। तो अगर हम हाईलाइट को ऐसे बढ़ाते हैं तो यू कैन सी जो ब्राइट पार्ट है वो ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, और जो अगर कम करते हैं तो ब्राइट पार्ट थोड़ा सा हल्का सा डल हो जाता है। तो इन दिस केस मुझे इस फोटो को बनाना है थोड़ा सा ऑटम लुक, थोड़ा सा डल, तो इसके ब्राइट पार्ट्स मुझे इतने ज़्यादा ब्राइट नहीं चाहिए। आई विल स्लाइड इट डाउन टू समवेयर अराउंड -35, या दैट लुक्स नाइस टू मी। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू आर शेडोज। शेडोज क्या होते हैं, जो आपके डार्क पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये पीछे जो माउंटेन्स हैं या यहाँ पे ग्रास के बीच में जो शेडोज पड़ रही हैं, दीज आर अ लिटिल डार्कर एरियाज। इनको आप कितना ब्राइट करना चाहते हो या कितना आप इनको डल करना चाहते हो वो आप कंट्रोल कर सकते हो शेडोज में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे शेडोज थोड़े ज़्यादा होने चाहिए, सो दैट मोर डिटेल्स कैन बी ईजिली फाउंड। +41 डज द जस्टिस। और मैं भी आपको एक बार इसका बिफोर और आफ्टर भी करके दिखा देता हूँ। आप स्क्रीन पर जब टैप करते हो ना,
ऐसे, तो आपको बिफोर दिखता है और आफ्टर दिखता है। बहुत ही ज्यादा माइन्यूट सा अभी इसमें डिफरेंस दिख रहा है आपको, बट अभी इसको हम ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा चेंज करने वाले हैं। नेक्स्ट इज व्हाइट्स, दीज आर द व्हाइट पार्ट्स ऑफ द इमेज। अब उनको कितना ब्राइट या कितना डार्क करना चाहते हैं, सिमिलरली ब्लैक्स में जो ब्लैक पार्ट्स ऑफ द इमेज है वो आप कितना ब्राइट या कितना डार्क करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो व्हाइट्स हैं वो थोड़ा सा और व्हाइट होना चाहिए, थोड़ा और ब्राइट होना चाहिए। व्हाइट्स आर लुकिंग अ लिटिल डल, तो मैं इसको कर देता हूँ अराउंड समवेयर अराउंड +30। और जो ब्लैक्स हैं वो मुझे थोड़ा और ब्लैक चाहिए ताकि कॉन्ट्रास्ट और अच्छा बने इमेज के साथ। अगर मैं इसको पीछे की तरफ मूव करूंगा तो ऑब्वियसली वो थोड़ा और डार्क हो जाएगा, एंड आगे करूंगा तो वो ब्राइट हो जाएगा। ब्राइट करूंगा तो ब्राइट पे ब्राइट कॉन्ट्रास्ट नहीं बनेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा माइनस में लेके जाता हूँ, इसको -30 कर देते हैं। दिस इज बिफोर एंड दिस इज हाउ इट लुक्स नाउ, सो इट ऑलरेडी लुक्स लाइक अ रिच इमेज। और इसमें हम जो आगे चेंजेस करने वाले हैं दे आर गोइंग टू बी ड्रामेटिक। सो आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज कॉल्ड कलर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर लिखा हुआ है, तो हम कलर को एडजस्ट करेंगे। कलर में क्या होता है, सबसे पहले आप चेंज करते हो व्हाइट बैलेंस, सो दैट जो व्हाइट्स हैं वो व्हाइट की तरह अपीयर हो। अगर आपका ऐसा ना हो कि येलो लाइट थी तो जो व्हाइट था वो भी थोड़ा येलो आ गया, या ब्लू लाइट थी तो जो व्हाइट था वो थोड़ा ब्लू आ गया, उसको अगर फिक्स करना चाहते हो, अगर वो कैमरा में आप फिक्स करना भूल गए हो तो आप उसको इमेज में कर सकते हो लाइटरूम मोबाइल के थ्रू। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मुझे छेड़ने की जरूरत नहीं है, तो मैंने इसको ऑटो पे छोड़ दिया है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग या तो थोड़ा कोल्ड कर सकते हैं या थोड़ा वार्म कर सकते हैं। अगर हम लेफ्ट में मूव करेंगे इस तरफ को तो ये थोड़ा कोल्ड हो जाएगा, यू कैन सी इट्स ब्लू। और अगर इसको हम इस तरफ करेंगे तो ये थोड़ा सा वार्म हो जाएगा बिकॉज इट इज येलो। यहाँ पे जो टेम्परेचर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा ऑटम वाला, थोड़ा विंटरी वाला फील चाहिए, फॉल कलर्स वाला फील चाहिए, तो उस टाइम पे टेम्परेचर ड्रॉप होता है, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम करके समवेयर अराउंड -9 रखता हूँ। तो अभी जो आप देख रहे हो, अभी इसमें ऑटम वाला फील नहीं बट विंटर वाला फील थोड़ा सा आ गया है, बस थोड़ी सी बर्फ की कमी है, स्नोफॉल की कमी है। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज टिंट। टिंट में आपकी पिक्चर को आप या तो ग्रीन की तरफ कर सकते हो या फिर मैजेंटा की तरफ कर सकते हो, बट मुझे टिंट छेड़ना पसंद नहीं है तो मैं इसको 0 पे ही रखूंगा। And I'll move to the next two options, which are saturation and vibrance. Vibrance और saturation बहुत ज़्यादा important है क्योंकि ये आपके image की overall color composition को control करते हैं। Saturation अगर आप बढ़ाना चाहो, मतलब आप color की intensity बढ़ाना चाहो, तो जो आपकी image है वो थोड़ी ज़्यादा red appear करती है, और अगर उसको आप minus में लेके जाते हो तो वो grey की तरफ चला जाता है। आपने notice किया होगा कि जब black and white होता है तो saturation उस time पे minus में होता है, तो मैं इसको वापस से 0 कर देता हूँ। एंड लेट्स मूव विद वाइब्रेंस। वाइब्रेंस ऐसा है कि उसमें आप कलर्स को ओवरऑल कंट्रोल कर सकते हो, सिर्फ रेड या सिर्फ ग्रे की तरफ नहीं जाता है वो, तो इट्स एक्चुअली दी वाइब्रेंसी ऑफ योर इमेज कि वो कितना ज़्यादा आई प्लीजिंग लग रहा है देखने में कलर। तो मैं इसका वाइब्रेंस जो है वो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, आई थिंक थोड़ा सा कलरफुल मुझे जो पसंद है, आई लाइक मोर कलरफुल पिक्चर्स। +12 आई थिंक इट्स फाइन, इट्स लुकिंग वेरी गुड। कलर्स में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो मुझे फीचर लगता है लाइटरूम मोबाइल में, जो आपको दूसरे ऐप्स में नहीं मिलता है, दैट इज़ मिक्स, कलर मिक्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे, इधर मैंने टैप किया तो कलर मिक्स में क्या होता है, आपके बहुत सारे अलग अलग कलर्स हैं। इन पर्टिकुलर कलर्स को आप कंट्रोल कर सकते हो इमेज में, कौन सा कलर कैसा दिखाई दे और किस इंटेंसिटी के साथ या कितना डल दिखाई दे, वो सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो कलर मिक्स के अंदर। तो जो बेस कलर्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, एक तरह से आपको दिखेगा ये रेनबो कलर ऑलरेडी बन रहा है। तो वी विल फिक्स ईच एंड एवरी डिटेल 1 by 1। सबसे पहले हम पिक करते हैं कलर रेड। इस इमेज में मुझे लग रहा है कि रेड को छेड़ने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, बट ये जो ह्यू है ना, ह्यू हम कंट्रोल कर सकते हैं बिकॉज वी वॉन्ट अ लिटिल ऑटम फीलिंग टू इट। तो जो यहाँ पे ऑरेंज पड़ता है आपका राइट में और लेफ्ट में पड़ता है आपका मजेंटा, क्योंकि इसका ह्यू इस तरह से, रेड का ह्यू जो होता है वो इसके बीच में लाया करता है, तो हम इसको थोड़ा सा ऑरेंज की तरफ लेके जाते हैं, लेट्स से +30, ठीक है। तो ये जो है, अगर कहीं कहीं पे इमेज में थोड़ा बहुत भी रेड प्रेजेंट होगा तो दैट विल अपीयर अ लिटिल ऑरेंजी। फिर आती है बात सैचुरेशन की। मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे रेड इतना ज़्यादा है, तो मैं उसको छोड़ देता हूँ। और ल्यूमिनेंस, मतलब उसकी ब्राइटनेस कितनी होगी, उसको भी मैं फिलहाल छोड़ देता हूँ। ल्यूमिनेंस में ज़्यादा खेलता नहीं हूँ, अनलेस मैं बहुत ज़्यादा मूडी पिक्चर से एडिट कर रहा हूँ, तो उसको भी हम फिलहाल के लिए छोड़ सकते हैं। फिर हम आते हैं ऑरेंज पे। ना ऑरेंज में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी ह्यू रेड की तरफ या फिर ग्रीन की तरफ जा रहा है, और हमें क्या करना है, हमें इसको थोड़ा सा डीप रखना है कलर को। -16 लुक्स फाइन टू मी, थोड़ा सा ब्राउनिश टोन आ जाता है ऑरेंज में। इसका सैचुरेशन, क्योंकि हम
ऑटम फील में एडिट करने वाले हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ एंड सैचुरेशन शुड बी समवेयर अराउंड 19। या दिस लुक्स नाइस। अब हम आते हैं येलो पे। येलो में भी यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन की तरफ जाएगा और इधर जाएंगे तो ग्रीन की तरफ जाएगा। सो लेट्स ड्रैग दिस टुवर्ड्स दिस पॉइंट, ताकि जो येलोनेस है इस इमेज में, देख सकते हैं आप कितना ड्रास्टिकली वो ब्राउन में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट इज ग्रीन। तो ग्रीन में भी यहाँ पे हम लोग मतलब येलो की तरफ जा सकते हैं या ब्लू की तरफ जा सकते हैं, तो मैं इस ग्रीन को भी जो है ड्रैग करके ले जाता हूँ येलो पे। एंड नाउ यू कैन सी द इमेज इज ऑलरेडी अपीयरिंग ब्राउन इन टोन, विच इज लाइक द प्राइमरी कलर ऑफ ऑटम। द नेक्स्ट वन इज सियान। इस कलर में ऐसा है कि यहाँ पे मुझे इतना ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है इस कलर का ब्लू, एंड ब्लू में हम इसको लेके जाएंगे माइनस की तरफ, विच इज टूवर्ड्स द एक्वा कलर, सो दैट इट अपीयर्स मोर लाइक एन ऑटम स्काई। और अगर मैं इसको राइट में लेके जाऊंगा तो वो पर्पलिश हो जाएगा, विच इज लाइक अ सनसेट। हमें वो नहीं चाहिए, यहाँ पे सनसेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ब्लू का मैं लेके जाता हूँ कम करके इसको माइनस आई थिंक 34। हाँ, दिस लुक्स नाइस। बट ये जो टर्कवाइज फील है, जो टील फील है, वो कुछ ज्यादा लग रही है मुझे, तो इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो मैं इसका सैचुरेशन जो है वो कम करके आई कीप इट समवेयर अराउंड लेट्स से -45। या दिस लुक्स लाइक ग्रे टील कलर, तो बहुत अच्छा लग रहा है एंड ऑटम वाली वाइब आ रही है ऑलरेडी, तो लेट्स कीप इट लाइक दिस। ऑल्सो जो ये कलर है थोड़ा सा स्काई में बहुत ब्राइट सा है, इस वजह से इतना दिख नहीं रहा है, तो मैं इसकी ब्राइटनेस को कम करूंगा बाय डिक्रीजिंग द ल्यूमिनेंस। तो इसका ल्यूमिनेंस मैं कम करके या आई विल कीप इट समवेयर अराउंड -31 एंड इट लुक्स मच बेटर नाउ ऑलरेडी। नेक्स्ट टू कलर्स इस इमेज में है ही नहीं मुझे जहाँ तक लग रहा है, विच इज पर्पल एंड मजेंटा। तो अगर वो कहीं पे होगा भी तो मुझे वो चाहिए नहीं, क्योंकि वो ऑटम वाइब को खराब कर देगा। तो आई विल जस्ट डिक्रीज द सैचुरेशन टू -100 फॉर दिस एंड फॉर मजेंटा एज वेल। एंड आई थिंक वी आर डन विद द कलर करेक्शन ऑफ आर इमेज। एंड यू कैन ऑलरेडी सी, मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखा देता हूँ एक बार, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। दिस वॉज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। अब यहाँ पे अभी खत्म नहीं हुई हमारी एडिटिंग, थोड़ी सी चीजें कुछ और रह गई हैं। नेक्स्ट इज एफेक्ट्स। एफेक्ट्स पे आप जाएंगे, वहां पे आपको दिखता है टेक्स्चर और क्लैरिटी। टेक्स्चर और क्लैरिटी दोनों ऐसी चीजें हैं जो आपकी इमेज की शार्पनेस को थोड़ा सा एनहेंस करते हैं। मुझे लग रहा है कि ये ऑलरेडी काफी क्लियर इमेज है, तो इसमें मुझे ज्यादा कुछ छेड़खानी करने की जरूरत है नहीं, बट अगर आप करना चाहें तो आप क्लैरिटी बढ़ा के देख सकते हैं कि कैसा दिखेगा। यस, इट इज लुकिंग नाइस, बट मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल मैं इस क्लैरिटी को नहीं छेड़ता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे की तरफ ना, इमेज में पीछे की तरफ थोड़ा सा फॉग आ रहा है, थोड़ा सा हेज आ रहा है, तो देयर इज दिस ऑप्शन कॉल्ड डी हेज। डी हेज को अगर आप माइनस में करते हो तो वो इमेज में फॉग ऐड करेगा, और अगर आप इसको प्लस में करते हो तो वो इमेज में से आपके फॉग को हटाएगा। डी हेज का मतलब ये होता है कि हेज को हटाना। ठीक है, तो मैं शायद डी हेज थोड़ा सा यूज करना चाहता हूँ। या आई थिंक दिस लुक्स बेटर एंड फोटो ऑल्सो लुक्स मोर शार्पर। तो यहाँ पे बट मेजर जो मेरा फेवरेट है दैट इज विनियट। यहाँ पे अगर हम इसको माइनस में लेके जाएंगे तो वो ब्लैक कलर का एक फेदर मारेगा चारों कॉर्नर से, और अगर इसको हम राइट की तरफ लेके जाते हैं तो वो व्हाइट कलर का फेदर मारेगा सब जगह से। एंड इसको करके देखते हैं, आई थिंक -25, सो दैट जो फोकस है वो सेंटर में रहे इमेज के, और वो जो सेंटर में है दैट इज द लेक जो हमारा प्राइमरी सब्जेक्ट है। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज कॉल्ड डिटेल। डिटेल में अगर आपका देखेंगे तो सिर्फ एक ऑप्शन है जो मेन ऑप्शन आप यूज करते हैं, दैट इज शार्पनिंग। अगर आप इमेज को थोड़ा सा शार्प करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप इसको। सो आई थिंक शार्पनेस इसकी फाइन है। अगर आप देखेंगे पीछे जो लेक है और वो जो बिल्डिंग्स हैं वो काफ़ी फोकस में है, तो मुझे नहीं छेड़ना है शार्पनेस को। बट अगर आपकी इमेज में कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ शॉट बिल्कुल हल्का सा ब्लर रह गया है, या कोई एक जैसे आँख है किसी की और वो थोड़ी सी ब्लर लग रही है, तो आप यहाँ से फिक्स कर सकते हो उसको। इस इमेज में अभी थोड़े से चेंजेस जो मैं टेक्निकल चेंजेस करूंगा, वैसे तो मुझे इमेज अभी भी अच्छी लग रही है, इसमें मुझे ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत लग नहीं रही है। अगर आप इसको थोड़ा एडवांस लेवल में करना चाहें तो देयर इज दिस थिंग। लाइट में अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा ऊपर एक जगह पे लिखा होगा कर्व, जिसमें आप अपनी इमेज के ब्लैक्स शेडोज, मैं आपको टच करके बताता हूँ, यहाँ पे ग्रिड दिख रहा होगा आपको, तो ये जो ब्लैक्स हैं वो एकदम एंड में होते हैं, यहाँ पे आपका जो होता है इस लाइन पे, इस पॉइंट पे, दीज आर कॉल्ड शेडोज। जो सेंटर में होते हैं इनको बोलते हैं मिड टोन्स। यहाँ पे जो होता है वो होता है हाईलाइट,
एंड सबसे ऊपर होता है आपका व्हाइट। तो यूजुअली क्या होता है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर टाइप ऑफ सेटिंग है, मैं इसमें वही कर देता हूँ एंड लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। दैट इज कॉल्ड एन एस कर्व। तो हम अपने ब्लैक्स और व्हाइट्स को नहीं छेड़ेंगे, शेडोज को थोड़ा ड्रॉप कर देते हैं, हाईलाइट्स को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ज्यादा नहीं। एंड नाउ इफ यू लुक एट द पिक्चर, इट लुक्स मूडी, इट लुक्स लाइक ऑटम एंड इट इज वेरी रिच। सो या बेसिकली दिस इज द काइंड ऑफ एडिट आई डू, और डिपेंड करता है पिक्चर टू पिक्चर मैं उसको किस मूड का बनाना चाहता हूँ, किस कलर टोन में चाहिए। तो आई हैव बेसिकली एक्सप्लेन्ड यू कि कौन से फीचर्स हैं और उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो इफ़ यू हैव दैट पर्टिकुलर कलर सेंस एंड कलर करेक्शन वाला सेंस जो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, तो आप करते रहिए प्रैक्टिस एंड यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल इवेंचुअली फाइंड योर वे। मैं आपको एक सीक्रेट बताऊँ, ये सारी चीज़ें ना मैंने खुद से सीखी हैं एंड यूट्यूब वीडियोज देख देख के सीखी हैं, आप लोग जैसे ये वाली वीडियो देख रहे हैं। तो इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन ईजिली डू दिस, यू जस्ट नीड अ लिटिल प्रैक्टिस एंड पैशन होना चाहिए, दैट्स इट। वन लास्ट टाइम मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखा देता हूँ, दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू गाइज लाइक्ड इट, एंजॉयड इट एंड आपने आज कुछ सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वो लाइक बटन दबा दो, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना यार, बिकॉज मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि हम अपनी कम्युनिटी को एक्सपैंड कर सकें, और जिन लोगों को इस तरह की वीडियोज़ की ज़रूरत है उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। एंड यस, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपको कितनी मदद मिली है और आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं चैनल पे। मैं आप सब लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं, उन पे रिप्लाई करता हूं एंड आई ट्राई टू मेक श्योर कि आप लोग जो चाहते हैं मैं उस तरह की वीडियोज़ बना पाऊँ। अगर आपने मेरे और वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं या फिर आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ 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 ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल और मेरा हैशटैग, प्लीज़ अभी जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन स्टे सेफ एंड शेयर द लव।